जबलपुर में पुलिस से भिड़ी छात्राएं, कहा हाथ मन लगाना, कॉलेज में की तोड़फोड़, चार थानों से पहुंची फोर्स। जबलपुर में छात्राओं ने कॉलेज का घेराव करते हुए तालाबंदी कर दी। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस बुलाई तो छात्राएं उनसे ही भिड़ गईं। पुलिस ने जब छात्रा को हटाने की कोशिश की तो साथियों ने कहा, आप हाथ ना लगाओ, महिला पुलिस को बुलाओ। जबलपुर का होम साइंस कॉलेज मंगलवार को अखाड़ा बन गया। 100 से ज्यादा छात्राओं के फेल होने पर गुस्साए स्टूडेंट्स ने कॉलेज का घेराव करते हुए तालाबंदी कर दी। कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को बुलवाया तो छात्राएं उनसे भी उलझ गईं। उन्होंने पुलिस से जमकर धक्का मुक्की की। NSUI की एक पदाधिकारी ने तो पुलिस का हाथ तक पकड़ लिया। पुलिस ने जब छात्रा को हटाने की कोशिश की तो सभी छात्रों ने हंगामा कर दिया। बोली, पहले महिला पुलिस को बुलाओ, आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। इस दौरान कॉलेज परिसर में तोड़ फोड़ भी की गई। देखते ही देखते चार थानों की पुलिस कॉलेज में पहुंच गई। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि सेकंड ईयर में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है। पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया गया तो उसमें भी कुछ खास नहीं हुआ। ATKT में तो नंबर और भी कम हो गए। पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए मंगलवार को सैकड़ों स्टूडेंट्स कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल से मिलने की मांग करने लगे। हंगामा देखकर कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस बुला ली। पुलिस प्रिंसिपल कक्ष के बाहर खड़ी हुई थी तो स्टूडेंट भीतर घुसने के लिए पुलिस से उलझ गए। उनका कहना है कि उन लोगों को बिना किसी वजह से फेल किया जा रहा है। धरने पर बैठी छात्राओं की मांग है कि उन्हें दोबारा पेपर देने दिया जाए। NSUI की राष्ट्रीय समन्वयक देवकी पटेल का कहना है कि महाविद्यालय में छात्राओं को लगातार फेल किया जा रहा है। पिछले दिनों भी हमने प्रदर्शन किया था। इसके बाद फेल की गई 6 छात्राओं की कॉपियां खुली तो उनमें 3 छात्र पास हो गए। आखिर गड़बड़ी किस ओर से है? आप छात्राओं को किस कारण से फेल कर रहे हैं? हमारे कॉलेज में 11 छात्राएं PG डिप्लोमा की हैं, उनका कोर्स पूरा नहीं किया और एग्जाम ले लिया गया। ATKT में तो छात्राओं के नंबर और भी कम हो गए हैं। यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो रही है। NSUI की देवकी पटेल ने बताया कि जब छात्राओं के द्वारा मूल्यांकन की मांग की जाती है तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती। मजबूर होकर हमने आज तालाबंदी की है। पूरे कॉलेज की 200 लड़कियों के रिजल्ट को प्रभावित किया गया है। हम मान लेते हैं कि मेन एग्जाम में बच्चों ने पढ़ाई नहीं की तो आपने फेल कर दिया, तो क्या ATKT में भी नहीं की थी जो नंबर और भी कम हो गए? बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।